सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा दरगाह हजरत सैयदाना शाह अमीर अबूल्लाह का 384वां उर्स मुबारक आगामी 24 अगस्त से शुरू हो जाएगा। आज दरगाह पर सज्जादा नशी सैयद हाजी मोतासिम अली अब्दुल अलवाई ने जश्न मुबारक उर्स पोस्टर का विमोचन किया। बताया कि इस बार सरकार सैयदाना का 5 दिवसीय उर्स मुबारक का आगाज 24 अगस्त 2023 को शाम 5:30 बजे एहरारी झंडे को लगाकर उर्स का आगाज किया जाएगा। वहीं रात में दरगाह शरीफ पर फातिहा की जाएगी। 25 अगस्त को बाद नमाज जोहर महिला मिलाद शरीफ किया जाएगा, जिसमें हुजूर मोहम्मद साहिब का जिक्र किया जाता है। बाद नमाज ईशा महफिल समा का आयोजन देर रात्रि तक चलेगा। 26 अगस्त को उर्स मुबारक की अन्य रस्म दरगाह शरीफ पर अदा की जाएंगी, जिसमें आगरा से लेकर संपूर्ण हिंदुस्तान के खानकाओं दरगाहों के सज्जादा नशीन तशरीफ लाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि हजरत सैयदाना सरकार के जने उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह पर सहयोग करें, जिससे कि जश्न उर्स मुबारक सैयदाना सरकार सम्पन्न हो सके। पोस्टर विमोचन में मुख्य रूप से नया मशीन सैयद इशात अली अबुल उलाई, सैयद कैफ अली अबुल उलाई, मोहम्मद आमिल आदि लोग मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत सैयदना शाह अमीर अबुल्ला रहमतुल्लाह अलैह सरताज आगरा का 384वां उर्स अब आ चुका है और उसकी तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हजरत सैयदना शाह अमीर अबुल्ला रहमतुल्लाह अलैह 384 वर्ष पहले इसी जगह पर अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत खल्क में लग रहे थे। अल्लाह ताला की इबादत करते और खिदमत खल्क यानी कि समाज सेवा, लोगों को सही सीधा सच्चा रास्ता दिखाना, इस तरह के कामों में अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। और अब 384 वक्त गुजर जाने के बाद हम पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के खानदान से, उन्हीं की फैमिली से ये काम आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। आज भी यही काम हम लोग अंजाम में देते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। अब खिदमत खल्क में ख़ास काम ये है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों को सही सच्चा रास्ता दिखाना और समाज में एकजुटता, एकता, भाईचारे का काम करना। ये एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप दरगाह शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हर सामाजिक तबके का और हर धर्म का इंसान साथ में आता है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो इसमें 384वें उर्स के दौरान भी आप ये मंजर देखेंगे और सालों साल से देखते चले आ रहे हैं, एक अनुपम मंजर देशभक्ति का, भाईचारे का, एकता और अखंडता। उसको लेकर अभी प्रशासन की तरफ से आपको क्या क्या मिलती है? पहले हम प्रोग्राम के बारे में मशवरा कर लें कि क्या क्या प्रोग्राम है।